अभी जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो कल शाम को आया था फ्लिपकार्ट के टीजर पेज पे, जहां पे आईफोन 12 यहां पे दिखा रहा है कि आपको मिल जाएगा 32,999 में। 33,000 में आपको आईफोन 12 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कैच है। जैसे बैंक ऑफर आपको 3,000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ये डिस्काउंट मिलेगा या एक्सिस के, क्योंकि दोनों के ऊपर ये आपको 3,000 रुपया डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। और मेरे हिसाब से जो अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होगा तभी ये 3,000 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, अदर देन आईसीआईसीआई कार्ड के ऊपर 3,000 डिस्काउंट नहीं होगा। मे बी वहां पे 2,000 डिस्काउंट या तो 1,250 रुपये का डिस्काउंट हो सकता है। और एडिशनली यहाँ पे और एक ऑफर लगाया गया है, एक्सचेंज ऑफर। जो भी आपके पास फोन है पुराने फोन, उसको अगर आप एक्सचेंज कराओगे तो 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसके बाद अल्टीमेटली प्राइस जो है वो 32,999 हो जाएगा। मतलब सारा ऑफर लगाने के बाद बैंक ऑफर एक्सचेंज ऑफर 33 प्राइस आएगा। और अगर हम लोग बिना ऑफर के बात करें, कोई भी अगर ऑफर नहीं लगाए इसमें, तो 39,000 का आपको मिल रहा है। अगर हम लोग 2022 का अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की बात करें, उस समय आईफोन 12 आपको देखने को मिल रहा था अंडर 40,000 में। तो एक साल पहले जो कि 40,000 पे आ चुका था, सेम फोन को इस बार फ्लिपकार्ट बेच रहा है 40,000 में ही। तो यहाँ पे क्या कुछ लोचा है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और यहाँ पे ये जो प्राइस है वो मेरे हिसाब से एकदम वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि आईफोन 12 का इतना प्राइस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ही आईफोन 13 आ जाता है, जो कि अमेजोन ने ऑलरेडी टीज कर दिया है, जो कि अंडर 40,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे और एक कैच है कि आईफोन 12 जो है वो 64 GB बेस वेरिएंट के साथ आता है। तो अल्टीमेटली अगर आप 128 GB लेने जाओगे तो उसका प्राइस आईफोन 13 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कहना यही है कि इससे पहले मैं भी आईफोन 12 के रिलेटेड वीडियो बनाया था, एक दो वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस 30,000 हो सकता है। और अगर प्राइस 30,000 होता आईफोन 12 64 GB का, तो वो वैल्यू फॉर मनी होता। यहाँ पे अभी जिस प्राइस पे मिलेगा, या तो बिग बिलियन डे सेल पे जिस प्राइस पे आईफोन 12 सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट, मेरे हिसाब से ये एकदम बेकार प्राइस है। इस प्राइस में आपको आईफोन 12 नहीं लेना चाहिए। उसके बदले आप काम कर सकते हो, आप 3-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने के बाद आप आईफोन 13 को कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज आईफोन 13 में आपको प्रोसेसर एक जनरेशन अपग्रेड देखने को मिल जाएगा, कैमरा उसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईफोन 13 का जो बेस वेरियंट है वो आपको 128 GB ही मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे iPhone 12 की बात करें तो वो उसमें 64 GB है। तो मेरे हिसाब से iPhone 12 अगर आप लेने का सोच रहे थे, तो आप अपना बजट को थोड़ा एक्सटेंड करके iPhone 13 की तरफ जाओ, और जो कि Amazon पे आपको देखने को मिलेगा अंडर 40,000 में सेल के दौरान। और अगर आपको iPhone 12 लेना है, तब आप उस कंडीशन में ले सकते हो जब आप ये सारे ऑफर्स लगा पा रहे हो। जैसे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जहां पे आपको 3,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, आपके पास एक पुराना फोन है जिसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सचेंज वैल्यू 3,000 रुपया मिल रहा है, और अल्टीमेटली अगर आपको फोन 33,000 में मिल रहा है तो आप ले सकते हो। लेकिन 128 GB तो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि 128 GB का जो प्राइस पड़ेगा ना, एग्जैक्ट प्राइस आपको आईफोन 13 का पड़ जाएगा। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट 64 GB है, और ये सारे के सारे ऑफर अगर आप अवेल कर सकते हो, उस केस में ये फ्लिपकार्ट का जो सेल है वो आपका सेंस बनाएगा, अदर केसेस में ये सेंस नहीं बनाएगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। और मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है, मे बी ये प्राइस डिक्रीज हो सकता है इन फ्यूचर। अभी भी ये कहना पॉसिबल नहीं है कि इतना ही प्राइस आपको बीबीडी में देखने को मिलेगा। सो बीबीडी में मे बी प्राइस थोड़ा सा और कम हो सकता है। बाकी अगर कुछ भी अपडेट आता है तो वो आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।